हेलो एवरीवन, मनीष हियर। वेलकम टू एमएम टेक क्लब। आईटीएट बैंगलोर का एक डिसीजन आया है इन केस ऑफ मुलबरी टेक्सटाइल एलएलपी। और ये जो डिसीजन है वो है रिगार्डिंग शेयरिंग प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म बाय द एलएलपी। एलएलपी ने एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एज अ पार्टनर ज्वाइन थे और वो शेयर प्रॉफिट ड्रॉ करते थे फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो प्रॉफिट होता है, पार्टनरशिप से जनरेट होता है प्रॉफिट, वो एग्जम्प्ट होता है अंडर इनकम टैक्स, बिकॉज पार्टनरशिप के अंदर ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट किया हुआ होता है। तो जो पार्टनर के हैंड में प्रॉफिट आते हैं वो प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होता है और उसके ऊपर एग्जेम्पशन दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पार्टनर नहीं था फॉर्म में, यहाँ पे एलएलपी पार्टनर बनी थी फॉर्म में। इसके बेसिस पे इन्होंने केस फाइल किया था, क्योंकि जो सीआईटी अपील है, उन्होंने उनका ड्यूरिंग द असेसमेंट आईटीओ ने डिमांड रेज किया और उन्होंने रिवर्स कर दिया था। जो उनका क्रेडिट था, जो उनका शेयर प्रॉफिट था, उसको इनएलिजिबल बोला था और उसका उसके ऊपर डिमांड रेज किया था। बाद में सीआईटी अपील ने भी इसको डिनाई कर दिया कि वो एग्जम्पशन अलाउ नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 10(2)(a). अकॉर्डिंग टू देम जो एलएलपी फॉर्म है वो एज अ पार्टनर ज्वाइन नहीं हो सकती पार्टनरशिप फॉर्म में, और उसको इसके लिए टैक्सेबल इनकम कंसिडर कर रही थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने डिनाई किया। बाद में जो एसएससी है, एसएससी ने अपील फाइल किया बिफोर आईटीएटी बैंगलोर। ये अपील भी 13 डेज लेट फाइल किया गया था, बट इसके लिए कंडोनेशन दिया गया और देन ये अपील फाइल हो गया फॉर बिफोर आईटीएटी बैंगलोर। और ये जो डिसीजन है वो है फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ये केस के अंदर एसएससी ने अपना रिटर्न फाइल किया था 17 अक्टूबर 2020 को, जिसमें उन्होंने 3,75,710 रुपीज़ के टोटल इनकम दिखाए थे। उनका जो स्क्रूटनी है अंडर सेक्शन 43(1) वो हुआ था ऑन 25 नवंबर 2021, जिसमें कि जो उन्होंने एग्जेम्पशन क्लेम किया हुआ था वो शेयर प्रॉफिट का फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, उसको डिनाई कर दिया था डिपार्टमेंट ने। और वो प्रॉफिट था 20,71,600 का प्रॉफिट उन्होंने डिराइव किया था फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको उन्होंने एग्जेम्पशन क्लेम किया था अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो एग्जम्पशन डिनाई होने के बाद एसएससी ने रेक्टिफिकेशन फाइल किया अंडर सेक्शन 154 ऑफ द एक्ट, बट उनका जो रेक्टिफिकेशन था वो भी रिजेक्ट कर दिया डिपार्टमेंट ने। उसके बाद सीआईटी अपील के पास ये गया था और सीआईटी अपील ने भी ये जो डिसीजन है, ये जो एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 10(2)(a) उसको डिनाई किया, उसको अलाउ नहीं किया। तो इसकी वजह से जो एसएससी है, एसएससी ने आईटीएटी बैंगलोर में ये अपील फाइल किया था कि उनको एग्जम्पशन मिलना चाहिए अंडर 10(2)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज अगर वो क्लेम नहीं करते हैं इनकम टैक्स उसके ऊपर, तो फिर इसके ऊपर डबल टैक्सेशन हो जाएंगे। एक तो जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो टैक्स पे कर रही है, दूसरा जो पार्टनर है वो भी टैक्स का पेमेंट करेगा। तो इसकी वजह से एसएससी ने अपील फाइल किया था बिफोर आईटीएटी बैंगलोर। ये जो प्रॉफिट ड्रॉ करते थे
एज ए पार्टनर ज्वाइन हुए थे इन एमएस इंटरप्राइजेस। एमएस इंटरप्राइजेस करके एक पार्टनरशिप फॉर्म है जहाँ पे ये जो एलएलपी है वो एज अ पार्टनर ज्वाइन था और वहाँ से वो प्रॉफिट ड्रॉ करते हैं। आईटीएटी बैंगलोर ने बहुत सारे डिसीजन जो ऑलरेडी है उसको भी गो थ्रू किए। एक जो डिसीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट का है जिन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन दिया हुआ है कि ऐसे केसेस में जो एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 10(2)(a) वो अवेलेबल होएगी एसएससीज को। बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन होती है पार्टनरशिप फॉर्म की और पार्टनर की उसके बेसिस पे ये सारे के सारे डिसीजन दिए गए हैं कि कोई फॉर्म या फिर पार्टनरशिप फॉर्म या फिर कंपनीज पार्टनर बन सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप दिया हुआ है पार्टनर फॉर्म एंड फॉर्म नेम। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप होता है जो दो या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में एक रिलेशन होता है फॉर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस और वो म्यूचुअली बिजनेस रन करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है। देन बोलते हैं कि पर्सन हु हैव इंटर इनटू द पार्टनरशिप विथ वन अनदर इज कॉल्ड द पार्टनर और कलेक्टिवली इट्स कॉल्ड फॉर्म। जो पार्टनर में म्यूचुअली एग्रीड होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में तो जो इंडिविजुअली पार्टनर होते हैं और कलेक्टिवली वो उसको फॉर्म कहा जाता है। एंड द नेम अंडर दियर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फॉर्म नेम। जिस नाम के साथ आप पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हैं वो होता है फॉर्म नेम। तो ये डेफिनेशन थे पार्टनरशिप फॉर्म के। देयर फोर नेसेसरी टू फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज नॉट डिफाइंड आइदर इन पार्टनरशिप और एलएलपी एक्ट सेक्शन 342 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 187 रीड एज फॉलोज। अभी यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में आप देख रहे हैं कि पार्टनरशिप वो होता है जिसमें लोगों के साथ पर्सन के साथ एग्रीमेंट होता है और वो यूजुअली दो या उससे ज़्यादा पर्सन होते हैं उनके पास एक रिलेशन उनके बीच एक रिलेशन होता है फॉर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस और जो भी बिजनेस का कंडक्ट है बिजनेस का काम है वो म्यूचुअली करते हैं या आइदर सब करते हैं या फिर कोई एक करता है। अब यहाँ पे जो पर्सन बोल रहे हैं पर्सन वर्ड यूज कर रहा है पार्टनरशिप डेफिनेशन के अंदर वो पर्सन डिफाइन नहीं है अंडर पार्टनरशिप एक्ट। मतलब पर्सन किसको बोलेंगे? पर्सन सिर्फ जो नेचुरल पर्सन है उनको ही पर्सन कंसीडर कर रहे हैं या फिर जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो आर्टिफिशियल पर्सन को भी कंसीडर कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये इशू था और ये इसके बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं या फिर जो दूसरे हाई कोर्ट्स ने डिसीजन दिए हैं वो इसके बेसिस पे ही डिसीजन दिए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 42 है ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 उसमें बोला गया है इन दिस एक्ट एंड ऑल जनरल एक्ट एंड रेगुलेशन मेड आफ्टर कमिशमेंट ऑफ दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनी रिपिग्नेंट इन सब्जेक्ट टू और कॉन्टेक्स्ट पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो जनरली जो पर्सन है टर्म पर्सन है वो सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं और जितने भी कंपनी है एलएलपी है वो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। तो इसके लिए जो डिसीजन आया है इसके लिए जो डिसीजन आया आईटीएटी बेंगलोर का वो है। तो ये जो पर्सन है पर्सन के डेफिनेशन के बेसिस पे जो आईटीएटी का डिसीजन है वो बेस्ट है क्योंकि
क्योंकि पर्सन डिफाइन नहीं है आइदर इन पार्टनरशिप और एलएलपी, तो इसकी वजह से, और जो दूसरे एक्ट है या इन जनरल टर्म जो पर्सन का डेफिनेशन समझते हैं वो है कि उसके अंदर इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो सारे के सारे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड हो गए। तो जो एलएलपी है, यहाँ पे पर्सन के अंदर कंपनी इंक्लूड होते हैं, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अगर ये सब इनकॉर्पोरेटेड है या फिर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो भी पर्सन कंसीडर किए जाएंगे। तो इसके बेसिस पे जो एलएलपी है उसको कंसीडर किया कि वो एक फॉर्म कंस्ट्रीट किए जाएंगे एलएलपी भी, और उसको वो एक दूसरे फॉर्म के अंदर, दूसरे पार्टनरशिप के अंदर वो एज अ पार्टनर ज्वाइन हो सकती है और प्रॉफिट ड्रॉ कर सकती है। तो अगर वो एज अ पर्सन ट्रीट किए जाते हैं एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो केस में अगर वो प्रॉफिट ड्राइव करते हैं फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो केसेस में जो प्रॉफिट होएगा वो एग्जेम्प्ट होएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये 19 पेजेस के ऑर्डर है, हम पूरा नहीं देख रहे हैं, जो बेसिक केस था और जो डिसीजन है वो यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो था कि क्या इशू था, और उसके लिए अभी देखेंगे कि क्या डिसीजन आया ITAT का। इन्होंने बहुत सारे जजमेंट को, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट, दूसरे ITAT के जजमेंट, उनके बेसिस पे ये डिसीजन बनाया। एवब जजमेंट एंड ऑल्सो जजमेंट रिटायर बाय द IDR साइटेड सुप्रा, आई होल्ड दैट SSC एज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ द एक्ट फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। आई डू नॉट फाइंड एनी वेटेज ऑन द केस रिलाइड बाई द IDDR, अकॉर्डिंगली आई अलाउ द अपील ऑफ द SSC। तो फाइनली ये जो भी जजमेंट ऑलरेडी लिए गए थे और जो डेफिनेशन था, टर्म पर्सन था, उसके ये सारे चीज़ों को बेसिस लेके ITAT बेंगलोर ने डिसीजन दिया है कि जो प्रॉफिट ड्राइव करेगी LLP फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म वो एग्जैम्प्ट होएगा अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और जो अपील फाइल किया था SSC ने वो अपील ITAT बेंगलोर ने अलाउ किया है। तो ये थे डिसीजन ऑफ ITAT बेंगलोर एंड मुलबेरी टेक्सटाइल LLPs। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।